हेलो एवरीवन, भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्राचीन संगीत विद्वानों ने किसी भी राग के प्रस्तुतिकरण में राग के कुछ नियम बनाए और उन नियमों का अनुसरण मध्यकालीन संगीत विद्वानों ने और साथ ही हिंदुस्तानी संगीत विद्वानों ने भी किया। वो नियम कुछ परिष्कृत होते गए लेकिन आधुनिक रूप में हमें उसकी 40 सिद्धांत देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करूंगी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत दो उसके पार्ट हैं, दो भाग हैं, कर्नाटक संगीत पद्धति और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। कर्नाटक संगीत पद्धति मैसूर, मद्रास, कर्नाटक इन क्षेत्रों में इसका प्रचलन है और अन्य जो शेष भारत है इन क्षेत्रों को छोड़कर उनमें उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का प्रचलन देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति अधिक एरिया में प्रचलित है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो भी संगीत शैली का प्रस्तुतिकरण होता है उनमें चाहे वो ध्रुपद, धमार, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, तराना, त्रिवट कोई भी संगीत विधा हो उन्हें प्रस्तुतिकरण में कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। और शास्त्रीय संगीत में भी आप रागों को प्रस्तुतिकरण में रागों के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है और वो नियम हमारे संगीत के जो विद्वान हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं। उन नियमों का अच्छे से उल्लेख कर्नाटक संगीत पद्धति में पंडित पलुस्कर ने किया और सभी को विदित है कि पंडित पलुस्कर ने और पंडित भातखंडे इन दोनों का शास्त्रीय संगीत को उल्लेखनीय उनकी देन है और स्वरलिपि और अन्य कई सारी बंदिशें बहुत मात्रा में उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज जो भी हम किताबों में देख रहे हैं हमारे पास उपलब्ध है वो सभी इन्हीं की दोनों की देन है। तो कर्नाटक संगीत पद्धति में पंडित पलुस्कर और उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में पंडित भातखंडे ने कुछ नियम बताए और स्वरलिपि का तो आविष्कार उन्होंने किया ही और साथ ही चिन्हों को लेकर, मात्राओं को लेकर, प्रस्तुतिकरण को लेकर कई सारे उन्होंने संगीत विद्वानों के नियमों को उल्लेख किया। अब मैं बात करती हूँ कि उसके जो नियम हैं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के, क्योंकि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कर्नाटक संगीत पद्धति की अपेक्षा अधिक विशिष्टताएं पाई जाती है और अधिक विशेषताएं का अनुसरण भी किया जाता है। यह पद्धति कुछ विशेष सिद्धांतों पर भी अवलंबित है और इन सिद्धांतों का जो भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको सभी को विशेष मनन करना चाहिए, याद करना चाहिए। और श्री भातखंडे की जो क्रमिक पुस्तक मालिका के जो पाठ हैं उनमें पांचवी पुस्तक है उसमें भी इसका उल्लेख हमें मिलता है। अब मैं बात करती हूँ कि 40 सिद्धांत, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 40 सिद्धांत, वो बहुत आवश्यक हैं सभी विद्यार्थियों के लिए उसे याद करना। आज मैं आपको 5 सिद्धांतों के बारे में विशेष रूप से बता रही हूँ। सबसे पहले ये माना गया एक सिद्धांत कि हमारा जो राग में शुद्ध बिलावल थाट जो है वो शुद्ध बिलावल को माना गया कि शुद्ध बिलावल उत्तर संगीत पद्धति में माना जाएगा। आपने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा कि भातखंडे के जो 10 थाट हैं उसमें भी बिलावल को शुद्ध थाट माना गया है और शुद्ध थाट का मतलब है कि जिसमें कोई भी कोमल स्वर नहीं है, सभी स्वर शुद्ध हैं। तो यह एक आवश्यक था कि बिलावल थाट के जो स्वर हैं 7 शुद्ध स्वर हैं उन्हीं के अनुरूप ही उनमें कोमल विकर स्वर मिलाकर अन्य राग उत्पन्न हुए। अन्य थाट का भी आरंभ शुद्ध बिलावल थाट से ही किया गया। इसके बाद बात आती है राग वर्गीकरण की। राग वर्गीकरण को 3 भागों में विभक्त किया गया है, औड़व, शाड़व, संपूर्ण। औड़व का मतलब जिस राग में
पांच स्वर लगते हों आरोह में, वो औरव जाति का आरोह अवरोह भी हम कह सकते हैं। पहले हम समझने के लिए आरोह अवरोह दोनों का उदाहरण लेते हैं कि जिस राग के आरोह अवरोह में पांच स्वर लगते हों वो औरव जाति का राग, जिस राग के आरोह अवरोह में छह स्वर लगते हों वो शाड़व जाति का राग, और जिस राग के आरोह अवरोह में सात स्वरों का प्रयोग होता हो वह संपूर्ण जाति का राग कहलाएगा। यह भी एक विशिष्ट नियम है, क्योंकि और इसके नौ उपभेद माने गए हैं, नौ भेद माने गए हैं। इन नौ भेद का जाति के जो यौड़ो शौड़ो संपूर्ण जाति के जो नौ भेद हैं, इसका विस्तृत रूप से उल्लेख मैं बाद में आपको इसके बारे में भी विस्तार से आपको बताऊंगी, लेकिन अभी आप संक्षिप्त में इसको समझें कि इसके नौ भेद माने गए हैं, आरोह के अलग अवरोह के अलग, क्योंकि किसी राग में आपको देखने को मिलेगा कि पांच स्वर लग रहे हैं आरोह में और सात स्वर लग रहे हैं अवरोह में, तो वो हो गया औरव संपूर्ण जाति का राग। तो इस प्रकार से उसके कॉम्बिनेशन को लेते हुए नौ उसके भेद हो गए, और मुख्य रहा औरव शाड़व और संपूर्ण। इसके बाद बात करते हैं कि पांच स्वरों से कम का और सात स्वरों से अधिक का राग नहीं होता। किसी भी राग में कम से कम पांच स्वर और अधिक से अधिक सात स्वरों का प्रयोग होना आवश्यक है। कोमल और तीव्र स्वर भी उसी में ही सम्मिलित किए जाते हैं। और इसके बाद औरव शाड़व और संपूर्ण, इसके आरोह अवरोह में उलट पुलट भी हो सकते हैं, और इसी के अनुरूप ही नौ भेद माने गए हैं। यह एक इसका नियम है। प्रत्येक राग में जो थाट है, थाट के बारे में भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि प्रत्येक राग में थाट, आरोह अवरोह, वादी संवादी, समय और रंजकता के बातें अवश्य होती हैं। प्रत्येक राग में आप देखेंगे कि उसमें वादी संवादी, वर्जित स्वर, वादी अनुवादी, उस राग में क्या स्वर महत्वपूर्ण है, स्वरों का लगाव, ये सभी जो बातें हैं वो किसी भी राग के आप विवरण करते हैं, पढ़ते हैं, उसको करते हैं, चाहे वो प्रायोगिक रूप से आप करें, आपको ध्यान रखना आवश्यक होता है कि उस राग का प्रमुख स्वर क्या है, और उसे आपको उन्हीं को ही महत्व देते हुए आपको प्रैक्टिकली भी प्रेजेंट करना है, और थ्योरेटिकल भी आपको ये कई बातें बतानी होती हैं कि किस राग में उसका गायन समय, वादी संवादी स्वर, राग का प्रमुख स्वर, गायन समय, जाति, थाट, ये सभी बातें किसी भी राग में विशेष रूप से उल्लेख की जाती हैं, और वो प्रैक्टिकली भी आपको बतानी होती है। तो इस प्रकार से ये पांच नियम आज मैंने आपको विशेष रूप से बताए हैं, जो उत्तर संगीत पद्धति में अलग विशिष्टता से माने जाते हैं, और इसके अन्य आगे जो विशेषताएं हैं, जो सिद्धांत हैं, उसके बारे में भी मैं आपसे आगे चर्चा जारी रखूंगी। इसको आप ध्यान से सुनकर इसे लिखें, इसको याद करें। थैंक यू।